Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Linear Programming. Now we'll be starting with question number 11, sub question 4. So I'll write it as question 11, sub question 4. Question is maximize. Z is equal to, it is 3x plus 5y. Then we have subject 2. So, ye subject 2 ka matlab hai, subject to constraints. Considering this conditions. So, first condition is x plus y is less than equal to 5. Then we have 3x plus y is greater than 9. So, 3x plus y is greater than equal to 9. Greater than equal to. And then we have x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Achha, ye conditions diye hai. Based on this, we need to find the maximized value of z. So, first step hota hai, table. And table mein columns aa jayenge, linear inequalities. Then we have linear equations. Then we have points, jisme main x likhunga, y likhunga. Then we have coordinates over here. And then we have what? Region part. And coordinates mein, we will write it as x, y. Okay? So, over here the first condition is x plus y is less than equal to 5. So, ye ho jayega x plus y is equal to 5 aa jayega. So, yahan pe x ke jagah pe 0 substitute karenge. To 0 plus y. To y hota hai. That is equal to 5. So, y ka value 5 ho jayega. Then we have y ke jagah pe 0. To ye 0 substitute kiya. To x plus 0 is x is equal to 5. To ye ho jayega. So, this becomes 0, 5. ये हो जाएगा 5, 0. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया. देन वी हैव 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 9. सो इधर लिखेंगे 3x प्लस y इज इक्वल टू 9. सो वी राइट ओवर हियर x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 9 आ जाएगा. y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा. सो दिस बिकम 0, 9, 3, 0. ठीक है, ये वैल्यूज आ गए. अब ये हो गया, ये कंडीशन हो गया. उसके बाद मेरे पास है x greater than equal to 0. सो आई राइट ओवर हियर x greater than equal to 0 एंड y greater than equal to 0. तो ये हो जाएगा x is equal to 0 एंड y is equal to 3. सो नाउ वी नीड टू ड्रॉ व्हाट the graph for this values, and in order to draw a graph for this values over here, we consider x and y axis. Yes, and can I say this time, agar main dekhta hu, I want to reach y ka value till 9. तो मैं ना यहां पे थोड़ा लोअर साइड से स्टार्ट करूंगा. ठीक है, टिल नाउ वी यूज्ड टू ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर कंडीशन. अब इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ से स्टार्ट कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई वांट मोर वैल्यूज ऑफ व्हाट y, क्योंकि 9 है, 9 तक जाना है इधर. यस, सो दैट्स द रीजन हमने थोड़ा नीचे से ड्रॉ किया ये चीज. ये हो जाएगा सेंटर पॉइंट एज व्हाट ओरिजिन, ये हो जाएगा एज व्हाट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये जो वैल्यू है, दिस बिकम्स -1, -2, -3, -4, -5. इधर ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5. यहां पे वी सेट इज 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो अब 0, 5, तो ये 0 है और इधर 5 है, तो दिस इज 1 पॉइंट. देन वी हैव 5, 0, तो ये वो दूसरा पॉइंट है. यस, सो यहां से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे. यस, कंसिडरिंग दिस 2 पॉइंट, सो यस ये लाइन ड्रॉ किया. So this is the line of the equation x plus y is equal to 5. ये एक हो गया. Now second. So ये है 0 and 9. तो 0 and 9 मतलब यहाँ पे आ जाएगा. And then we have 3, 0. तो ये वो point है. ठीक है? This is the second point. तो ये यहाँ से यस यहां से लाइन ड्रॉ होगा. सो कंसीडरिंग दिस नाउ, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड कंडीशन, दैट इज 3x. सो इधर हम लिखेंगे इट इज 3x + y इज इक्वल टू 9. यस, ये दो कंडीशन हो गया. अब बेस्ड ऑन दिस वी विल सी द रीजन पार्ट. अच्छा, बट पहले वो रीजन पार्ट के लिए वी फर्स्ट चेक ओवर हियर कि दोनों में से एक भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है. सो वी सब्स्टिट्यूट 0, 0, 0 + 0, ये होता है 0. इज 0 < 5? यस, ये कंडीशन सैटिस्फाई हुआ मतलब दैट लाइन विल गो टुवर्ड्स व्हाट ओरिजिन. बट मुझे बताओ वो लाइन कौन सा है, तो ये है, ये लिखा यहां पे. सो दिस लाइन इज मूविंग टूवर्ड्स ओरिजिन, ऐसा बोला है. यस, तो ये एक हो गया फर्स्ट कंडीशन. अब आएगा यहां पे ये सेकेंड कंडीशन. इधर 0 + 0 तो 0 होता है. इज 0 > 9? नहीं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. सिंस ये नहीं हो रहा है, सो दिस गोज व्हाट, अवे फ्रॉम ओरिजिन. अच्छा, तो वो ये लाइन है. अरे ये अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन. यस, ये अपवर्ड डायरेक्शन. यस, ये अपवर्ड डायरेक्शन. सो मुझे इतना समझ में आता है कि यहां पे ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है. तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच इज कॉमन, तो विच इज दैट पॉइंट, तो मुझे दिख रहा है दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जो कवर होगा. क्योंकि ये देखो, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. देन ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, तो ये एक और पॉइंट है. एंड दिस इज वन मोर पॉइंट. तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ए बी सी मुझे दिख रहा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा the bounded common visible region is A, B and C. तो we'll do one thing, इसको shade कर देंगे. So इतना portion is my common visible region हो जाएगा. Yes. And now we find the coordinates of that जो डायरेक्ट है. तो ये देखो, this is point on axis, तो ये coordinate direct है. तो एक काम करते हैं, we name this as A, ये पता नहीं है, ये point on axis है, तो ये पता है which is 3, 0. ये भी पता है C which is 5, 0. ठीक है, तो B पता है, C पता है, A नहीं पता है, A ढूंढना है. एंड इन ऑर्डर टू फाइंड A, अच्छा बट वो सब A और ये सब ढूंढने के लिए हमने पहले ये रीजन तो मार्क कर दिया, तो वो रीजन पार्ट के लिए यहां पे लिख देते हैं कि रीजन ये जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन था, तो इधर लिखेंगे ओरिजिन
साइड एंड ये हो जाएगा नॉन ओरिजिन साइड. यस, सो विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. For point A, अच्छा अभी point A के लिए, ये point A है, ये एक line है, ये दूसरा line है. Yes, ये दो equations को हम लिखेंगे. So we write over here as 3x plus y is equal to 9 लिखते हैं, and x plus y is equal to 5. इसको mark करता हूँ 1, इसको mark करता हूँ 2. So, same sign है and coefficient same है, तो subtract किया तो ये minus sign इसका हो गया. 3 minus, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 minus 1, 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2x. ये minus sign 5 का हो गया, तो 9 minus 5, तो ये हो जाएगा 4. So, this becomes 4 by 2, तो ये हो जाएगा 2. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, put x is equal to 2 in equation 2. तो ये हो जाएगा 2 plus y is equal to 5, y is equal to 5 minus 2, y is equal to 3 आ जाएगा. So we got value of x, we got value of y, and इधर मैं लिखूंगा a के coordinates which is 2, 3, and now with the help of this coordinate a, this coordinate b and this coordinate c, तो यहाँ पे ना पहले a को भी list कर देते हैं, it is 2, 3 आ जाएगा. So we write over here as points, coordinates and maximize. So we write it as maximize. Z is equal to, it is 3x plus 5y. ठीक है, इधर आ जाएगा as what? A, यो जाएगा B, यो जाएगा C. कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा एज ए के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, बी है 3, 0 एंड ये है 5, 0. सो वी राइट इट एज 3 × 2 + 5 × 3, ये हो जाएगा 6 + 15 विच इज इक्वल टू 21. ये हो जाएगा 3 × 3 + 5 × 0, तो ये हो जाएगा 9 + 0 विच इज इक्वल टू 9. 3 × 5 + 5 × 0, 15 + 0 विच इज इक्वल टू 15 आ जाएगा. सो 21, 9 एंड 15, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर जेड मैक्स और मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, ये है 21 एट ए 2, 3. ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. विद दिस दिस क्वेश्चन इज डन. वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, सब क्वेश्चन 5. क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 30x + 40y, सब्जेक्ट टू 6x + y greater than equal to 18, x + 4y greater than equal to 12, and 2x + y greater than equal to 10, where x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. So this is question number 11, sub question 5. यहाँ पे लिखेंगे maximize z is equal to, ये है 30x + 40y. Then we have subject to, तो इसका मतलब होता है subject to constraints, मतलब ये condition को ध्यान में रखते हुए, it is subject to. Then we have the first condition as 6x + y is greater than 18, greater than equal to 18. Then we have
एक्स प्लस फोर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड देन वी हैव 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा एंड देन वी हैव x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सो अगेन वी नीड टू फाइंड मैक्सिमाइज z बोला है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिया है सो द फर्स्ट स्टेप इज लीनियर इनइक्वालिटीज Then we have linear equations. उसके बाद यहां पे होता है points, coordinates, and then होता है region part. So here we have 6x plus y greater than equal to 18. तो 6x plus y equal to 18 हो जाएगा इधर x आ जाएगा इधर y आ जाएगा इधर x कॉमा y आ जाएगा देन वी हैव ओवर हियर एज x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड देन वी हैव 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सो इधर ये आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 2x plus y is equal to 10. ये हो जाएगा x equal to 0, y equal to 0. Yes. So now ये आ जाएगा 0. और जब ये 0 substitute हो गया तो y का value 18 हो गया. So we'll write 18 over here. अब इसको 0 substitute करेंगे. तो ये value जो है वो 3 है. So it is 0, 18 आ जाएगा. एंड 3,0 आ जाएगा इधर 0 सो 4y इज इक्वल टू दिस तो ये 3 आ जाएगा इधर 0 तो ये हो जाएगा 12 अब आएगा यहां पे 0 तो ये हो जाता है 10 इधर 0 तो ये हो जाता है 5 तो अब ये लिख देंगे 0,3 12,0 0,10 5,0 अब ये रीजन वाला पार्ट के लिए पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा बट एक चीज याद रखो नो वी हैव 18 एज वन ऑफ द वैल्यू यहां पे ऑन योर वाई एक्सिस एंड 12 एज द वैल्यू ऑन योर एक्स एक्सिस अब ये ना ग्राफ पे 12 मार्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सो वी कैन नॉट टेक द स्केल एज व्हाट 1 नाउ अब मुझे इधर है ना ये सारे नंबर्स ये देखो 18 है 12 है 10 है अरे ये ऑड है बट बाकी सब इवन भी है सो आई विल कंसीडर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 2 यूनिट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ मतलब मैं दो दो का गैप छोड़ के अभी वैल्यूज लिखूंगा मतलब अब 2 के बाद 4 आएगा 4 के बाद 6 आएगा अच्छा तो 2 और 4 का सेंटर पॉइंट जो होगा दैट विल एक्ट एज व्हाट 3 ठीक है सो यहां पे जो वैल्यूज आएंगे वो एक एक के गैप में आएंगे सो यहां पे वी ड्रॉ वायर एक्स एंड वाई एक्सिस यस तो ये अगर ड्रॉ किया हमने यहाँ पे तो एक्स एंड वाई एक्सिस बोला तो ये जो है वो सेंटर पॉइंट और ओरिजिन हो जाएगा यस ये ओरिजिन हो गया वी मार्क दिस एज 2 उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इसलिए मैंने बोला दो दो का गैप छोड़ेंगे अभी एंड ये साइड पे आ जाएगा -2, -4, -6, -8, -10 एंड सो ऑन अभी इधर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20. Yes. इधर आ जाएगा as what? Minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, minus 12, minus 16. ठीक है. अब क्या क्या वैल्यूज मार्क करना है? इट इज 0 एंड 18. तो 0 कॉमा 18 मतलब 0 और इधर 18, ये रहा, ये पॉइंट हुआ. और फिर साथ में है 3 कॉमा 0. अरे 3 मतलब ये 2 और ये 3, इसका सेंटर पोजीशन मतलब यहां पे कहीं पे तो 3 आएगा. ठीक है. सो एक लाइन जो है वो यहां से ड्रॉ होने वाला है, दैट इज 3 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 18 से पास होगा. सो वी ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर. यस. एंड ये लाइन को लिखेंगे एज 6x. तो ये हो जाएगा 6x प्लस y इज इक्वल टू 18. ये हो गया मेरा फर्स्ट लाइन ड्रॉ एंड फर्स्ट इक्वेशन लिखा. नाउ वी हैव सेकेंड कंडीशन एज 0 3. अरे तो 0 3 मतलब ये 2 है, ये 4 है, तो इधर कहीं पे तो 3 आएगा. एंड देन वी हैव 12 कॉमा 0. 12 मतलब यहां पे. सो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगा. सो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे. यस. एंड ये लाइन को हम यहां पे लिख देंगे एज व्हाट? दिस इज एक्स प्लस 4 वाई is equal to 12. ये हो गया मेरा सेकेंड लाइन. एंड नाउ वी नीड टू मार्क दिस थर्ड लाइन. एंड थर्ड लाइन है 0 कॉमा 10 मतलब ये रहा एक पॉइंट. एंड उसका दूसरा पॉइंट है 5. अरे 5 मतलब ये 4 और 6 का सेंटर पॉइंट, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो आएगा 5. ठीक है, ये वो पॉइंट है. सो ये यहाँ पे आ जाएगा एज ये पॉइंट. यस. So we can mark this as the third line. And इधर हम लिखेंगे as what? 2x plus y is equal to 10. ठीक है, ये तीन conditions mark कर दिए, तीन line mark कर दिए. Now we check for this origin part. अब तीनों condition के लिए इतना समझ में आ रहा है, origin 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 की तरफ कुछ भी नहीं है. ठीक है, मतलब origin से कोई भी line pass हो रहा है ऐसा नहीं है. सो सिंस नहीं है तो सिंपल सा रूल है, 0 प्लस 0 तो 0 हुआ. इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 18? नहीं, कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब इट विल मूव व्हाट? अवे फ्रॉम ओरिजिन. एंड जब मैं बोलता हूं अवे फ्रॉम ओरिजिन, अच्छा पहले तो वो लाइन कहां पर है? ये रहा. अरे ये वो लाइन है, मतलब ये जाएगा ऐसा बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम ओरिजिन. इसको ऊपर की तरफ, इसको भी ऊपर की तरफ मार्क करेंगे. यस, ये वो लाइन है तो ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगा. Yes, ये एक हुआ. दूसरा कंडीशन है ये वाला, इसमें भी 0 प्लस 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 प्लस 0 0 होता है. इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12? नहीं, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब दिस विल ऑल्सो गो व्हाट? अवे फ्रॉम ओरिजिन. किधर है वो लाइन? ये रहा. ये लाइन अगर ऊपर की तरफ मूव हो रहा है this way, so this is called as away from origin. So ये भी away from origin condition हो गया. इधर भी 0 plus 0 डालेंगे. 0 plus 0 is what? 0. Is 0 greater than equal to 10? नहीं, मतलब ये वाला condition भी क्या होगा? Away from origin. So this line is also away from origin. मतलब कहना इसे, ये सारे lines ऐसा away from origin side जा रहा है. So, ये वो लाइन है, ये वाला. So, I need to mark यहाँ पे, हाँ नीचे नहीं, हाँ यहाँ पे. Yes, this is away from origin. मतलब सबके away from origin है, सारे के सारे conditions away from origin. मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? Non origin side. फिर इधर क्या लिखेंगे? Non origin side.
इधर क्या लिखेंगे, नॉन ओरिजिन साइड, यस। अच्छा अभी सबसे बाहर के जो पॉइंट्स रहेंगे, दैट बिकम्स व्हाट, माय कॉमन विजिबल रीजन। बट अगर मैं बाहर के तरफ गिनूं तो मुझे मालूम ही नहीं ये बाउंड्री किधर है, इसका कोई लिमिट है क्या? नहीं, ये खाली ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आई डोंट हैव एनी लिमिट ओवर हियर। तो एक चीज याद रखो, सबसे बाहर का पॉइंट ये है एक, फिर ये वो पॉइंट है जिसमें सारे लाइंस कवर हो गए, क्योंकि ये भी काउंट होता है, ये भी काउंट होता है, और ये भी ऊपर की तरफ है। तो दिस इज दैट सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट। तो ये चार पॉइंट्स है, सो एक दो तीन और ये चार, बट ये सब अपवर्ड, सो वी डोंट हैव व्हाट इज द लिमिट ओवर हियर, मैक्सिमम कंडीशन पता नहीं है, बट इतना समझ में आ रहा है सब बाहर की तरफ है, मतलब दिस कंडीशंस विल बी कंसीडर एज व्हाट द कॉमन फिजिबल रीजन। बट एक चीज याद रखो, इसमें मुझे चाहिए मैक्सिमाइज जेड का वैल्यू, ठीक है, एंड मेरे पास यहां पे कोई लिमिट है नहीं, सो आई से इसका जो रीजन पार्ट आएगा दैट इज अनबाउंडेड। सो इसके बाद वी राइट लास्ट में वन स्टेटमेंट ओवर हियर, देयरफॉर द कॉमन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन इज ए बी सी एंड वॉट डी, एंड फॉर दिस इफ आई सी द कंडीशन, बट एक चीज याद रखो, ये अनबाउंडेड लिखा क्योंकि इसका बाउंड्री डिफाइन नहीं है, एंड सिंस इसका बाउंड्री डिफाइन नहीं है तो मुझे इसका मैक्सिमाइज वैल्यू तो नहीं मिल सकता। यही जगह पे अगर मिनिमाइज पूछा होता ना, तो मुझे ये जो एक दो तीन और ये चार पॉइंट्स है ना, ये चार पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ढूंढ के मैं उसका मिनिमाइज वैल्यू ढूंढता। सिंस मैक्सिमाइज वैल्यू है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट ढूंढ के भी मेरा आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब समझ, बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा कि इधर से पता चलेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अरे यही जगह पे मैंने क्या बोला, यही सेम क्वेश्चन होता बट इसकी जगह पे यहाँ पे मिनिमाइज होता, तो मैं यहाँ पे क्या करता, ये कोऑर्डिनेट अरे सॉरी, ये एंड ये, मतलब एक दो तीन चार, जिसमें से ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये पता है, इसको और इसको मैं सॉल्व करता एंड इसके कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढता एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फोर पॉइंट्स मैं मिनिमाइज वैल्यू ढूंढता। बट ये केस में मैं नहीं ढूंढूंगा बिकॉज मुझे मैक्सिमाइज बोला है एंड मैक्सिमाइज के लिए मेरे पास अपर बाउंड्री नहीं है, समझ में आ? सो विद दिस दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट। Now we have made a note of this. So with this, we also end the session over here. Thank you.